हेलो दोस्तों, आज बनाने जा रही हूँ अंडा कढ़ी। मेरी रेसिपी कैसी लगेगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं अंडा कढ़ी बनाने के लिए। आपको हम पहले से ही बॉयल कर लिए थे और इसे अच्छे से छील लिए हैं, क्योंकि इसे ज़्यादा टाइम मेरा वीडियो लग जाता बनाने में, इसीलिए इसे हम थोड़ा सा सॉफ्ट कर रहे हैं। अंडा को पहले से हम बॉयल कर रख लिए थे और इसे अच्छे से छिलका उतार लिए हैं और इसमें तेल डाल दिए हैं। तेल भी मेरा गर्म हो चुका है। अब इसमें अंडे को डाल देते हैं। अंडा को 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे अच्छे से। इसे अच्छे से हम फ्राई कर लिए हैं। अब इसे निकाल लेते हैं। बचे हुए तेल में 1 टेबल स्पून जीरा ऐड कर देते हैं। 2 से 3 सूखी लाल मिर्च इसमें ऐड कर देंगे और 2 तेज़पत्ता डाल देंगे। 2 मीडियम साइज का प्याज हमने चॉप कर लिया है। आप चाहे तो इसे लंबा लंबा भी काट सकते हैं और इसमें ऐड कर देते हैं और इसे 2 मिनट के लिए भून लेंगे। प्याज को हम 2 मिनट भून लिए हैं। अब इसमें 1 चम्मच नमक ऐड कर देंगे। नमक को आप कम और बेसी कर सकते हैं अपने स्वाद के अनुसार। 1 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर देते हैं। 1 चम्मच मिर्च पाउडर ऐड कर देते हैं। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। इन सभी चीज़ों को मिक्स करने के बाद इसे अच्छे से चला लें। एक चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर देते हैं। इसे 1 मिनट के लिए भून लेते हैं। 1 चम्मच गोलकी पाउडर ऐड कर देते हैं। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब इसमें 2 मीडियम साइज का टमाटर है, इसे हम मिक्सर जार में पीस लिए हैं। अब इसमें डाल देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए 1 मिनट के लिए भून लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के और भून लेंगे। मसाले को अच्छी तरह से भूनना है। अब इसमें 1 अंडे को हम डाल देते हैं और इसमें 1 मिनट के लिए लगातार चलाते रहेंगे। इस तरह से बनाने से अंडा कढ़ी बहुत टेस्टी बनता है। एक बार आप ज़रूर ट्राई करके देखें। इस तरह इसमें मिक्स कर देना है। इसे 1 मिनट के लिए हम चला लिए हैं। मसाला को अच्छे से भून लिए हैं। अब इसमें पानी ऐड कर देते हैं। अब इसमें अंडा डाल देते हैं। इसमें 3 से 4 हरी मिर्च डाल दीजिए। यदि आपको तीखा पसंद नहीं है तो इसे हटा दें। एक चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल देंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे 1 मिनट के लिए ढक्कन बंद करके पका लेंगे। हेलो।